पंचायत समिति पिडावा मुख्यालय सुनेल में प्रथम बार पंचायत समिति की बैठक में भाग लेने के बाद मीडिया से रूबरू हुए सरपंच। कैसे करेंगे गांव का विकास, तो उन्होंने मीडिया को खुलकर बताया कि ग्राम पंचायत सिलोतिया में नवनिर्वाचित सरपंच इंद्र सिंह सिसोदिया ने बताया कि ग्राम पंचायत को स्वच्छता की ओर ले जाना और जितने भी जन कल्याणकारी योजनाएं केंद्र सरकार राज्य सरकार की जो भी योजनाएं उन्हें प्रभावित रूप से ग्राम पंचायत को लाभ दिलाना और ज्यादा से ज्यादा ग्राम पंचायत में विकास की ओर ले जाना ही मेरा दायित्व रहेगा। ग्राम पंचायत कोटरी नवनिर्वाचित सरपंच हरिराम गोचर ने बताया कि हमारा उद्देश्य है कि 2 साल पहले से ही मेरा खुद का ट्रैक्टर पूरे गांव की सफाई एवं 2 घंटे पूरे गांव का कचरा उठाने का कार्य मैं खुद करवाता था और मैं ग्राम पंचायत को निरंतर विकास की ओर लेकर जाऊंगा, यही मेरा दायित्व रहेगा। ग्राम पंचायत धरोनिया के सरपंच जिसे जनता ने दूसरी बार सरपंच पद पर चुना है, वहीं सरपंच दिनेश ने बताया कि मैं पूरे 5 साल में कभी भी मेरे घर का काम नहीं किया, मैंने पूरा समय ग्राम पंचायत के विकास कार्यों एवं जन कल्याणकारी योजनाओं को गांव के लोगों तक पहुंचाना ही मेरा कार्य रहा। मेरी इस कार्य को देखते हुए ग्राम पंचायत के लोगों ने मुझे दूसरी बार सरपंच के पद पर चुना है और गांव में थोड़ा बहुत कार्य और बाकी है जो मैं इसका कार्यकाल में खत्म करवा दूंगा। ग्राम पंचायत कनवाड़ी में नवनिर्वाचित सरपंच रमेश चंद्र वीर ने बताया कि मेरा उद्देश्य ग्राम पंचायत को साफ स्वच्छ रखना एवं सरकार की जन कल्याणकारी योजनाएं गांव के लोगों तक पहुंचाना ही मेरा मेन उद्देश्य रहेगा। गांव को पूरा अंडरग्राउंड किया और थोड़ा बहुत काम बचा उसको इस कार्यकाल में खत्म कर देंगे। आपका आगामी उद्देश्य क्या रहेगा जिससे जनता को फायदा मिले? सरकार की सभी जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ जनता को अंत तक पहुंचाना और गांव को निर्मल बनाना। ये पूछेगा कनवाड़ी ग्राम पंचायत के आम मतदाता ने आपको चुना, आपको गांव का मुखिया बनाया, ग्रामीण सरकार का मुखिया बनाया, आपका मुख्य उद्देश्य क्या रहेगा गांव की ओर? जनता की सेवा करना, जनता की सेवा करना, यो सभी गाँव वासी ने मल के अपन सरपंच बनाया, सभी नोई गांव में मल कर आपका सरपंच बनाया, गांव में विकास करेंगे, बढ़िया विकास करेंगे, सभी गाँव वासी को विकास करेंगे, गांव में सभी नोई गांव में विकास करेंगे बढ़िया। विकास कार्यों को लेकर आपकी आगामी प्रक्रिया क्या रहेगी? बढ़िया कराएंगे सब दूर। स्वच्छता की तरफ आपका क्या ध्यान जाएगा? साफ सफाई बढ़िया कराएंगे, सभी गाँव वालों में देखभाल करेंगे, साफ सफाई कराएंगे बढ़िया, गांव स्वच्छ रहेगा, स्वस्थ रहेगा, स्वच्छ रहेगा, बढ़िया रखेंगे। ठीक, धन्यवाद।